मैसूर राज्य, मैसूर राज्य। देखो ध्यान देना, ठीक है, मैसूर राज्य के बारे में ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैसूर का अवस्थिति आप देखिएगा तो मैसूर का अवस्थिति आपको यहां दिखेगा, ठीक है। ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ये वाला कर्नाटक वाला क्षेत्र है, और कर्नाटक में ही एक राज्य था जिसका नाम था उस समय मैसूर राज्य, ठीक है। अब कर्नाटक के क्षेत्र में या मैसूर के क्षेत्र में एक हिंदू धर्म को मानने वाला या सनातन धर्म को मानने वाला वंश का शासन था जिसका नाम था अडियार वंश। कौन सा वंश? अडियार वंश, अडियार वंश। और अडियार वंश के शासक थे, इनका नाम था कृष्ण चिक्का, कृष्ण चिक्का। याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा आपसे जाता है कि जो मैसूर के संस्थापक थे, मैसूर के संस्थापक के बारे में आपको हम बताएंगे, आगे अभी चर्चा करेंगे मैसूर के संस्थापक के बारे में। जो मैसूर के संस्थापक थे वो किसके दरबार में एक तरह से सेनापति के तौर पर कार्यरत थे, फौजदार के तौर पर कार्यरत थे। अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिलेगा, फौजदार मिलेगा, सेनापति मिलेगा, तो किसके दरबार में? कृष्ण चिक्का के दरबार में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कृष्ण चिक्का उतना ज्यादा सफल राजा नहीं था, इसलिए इसका शासन इसका सेनापति चलाता था, इसका मंत्री चलाता था बेसिकली, और उसका नाम था नंदराज, ठीक है। कृष्ण चिक्का के मंत्री का क्या नाम था? नंदराज नाम था इसके मंत्री का। अब ये जो नंदराज था, इसने ही रखा था एक व्यक्ति को जिसके पास बड़ा ज्यादा गुण था, एक सैनिक के तौर पर उसकी भर्ती हुई थी, और धीरे 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 1755 में फौजदार तक नियुक्त हो गए वो। 1755 में इनको क्या किया गया? फौजदार नियुक्त किया गया। फौजदार का मतलब एक तरह से आप सेनापति से नीचे वाला पोस्ट समझ सकते हैं, मेजर, मेजर जो एक टुकड़ी का नेतृत्व कर सकता है, ठीक है। फौजदार के पोस्ट तक पहुंचे और उनका नाम था हैदर अली। उनका नाम क्या था? हैदर अली। और हैदर अली को ही ध्यान में रखेगा, इसने क्या किया कि अपनी शक्ति को बढ़ाया, और शक्ति को बढ़ा करके और नंदराज की हत्या कर दी, क्योंकि नंदराज कोई बढ़िया व्यक्ति नहीं था। ये भी चाहता था कि कृष्ण चिक्का को पराजित करके और हम क्या कर ले, ठीक है, मैसूर राज्य का एक तरह से राजा बन जाए, शासक बन जाए। इसलिए हैदर अली का जैसे जैसे शक्ति बढ़ा, फौजदार बना, वजीर तक गया, ठीक है, उसके बाद इसने क्या कर दिया? नंदराज की हत्या कर दी। और नंदराज का हत्या करके और किस वंश की स्थापना की? मैसूर वंश नहीं, मैसूर वंश की स्थापना की, ध्यान में रखिएगा। किसकी स्थापना की? मैसूर वंश की स्थापना की, मैसूर राज्य की स्थापना की, ध्यान में रखना है आपको। मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक में। इतना पीछे बताने का मतलब यही था कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि हैदर अली किसके दरबार में एक सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे, तो कर्नाटक के मैसूर राज्य के अडियार वंश के दरबार में। उसके बाद उस समय वहां के राजा कौन थे? तो कृष्ण चिक्का थे, ठीक है। कृष्ण चिक्का का एक मंत्री था जिसका नाम था नंदराज, और नंदराज ने ही हैदर अली को एक सैनिक के तौर पर भर्ती किया था। चूंकि इनमें गुण था तो सैनिक से धीरे 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 बढ़ते 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 इनका पोस्ट 1755 में क्या कर दिया गया? फौजदार का कर दिया गया। और अंतिम रूप से नंदराज को मार करके, क्योंकि कृष्ण चिक्का की मृत्यु हो चुकी थी उस समय तक, नंदराज को मार करके और अगला शासक कौन बना? अगला शासक बोल दीजिए, या मैसूर राज्य संस्थापक, ठीक है, कौन बन गया? हैदर अली। तो हैदर अली के बारे में ये जानकारी था जिसके बारे में आप जानते हैं। अब देखो, मैसूर राज्य को जाना जाता है इसके चार आंग्ल मैसूर युद्धों के कारण। कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। आंग्ल मैसूर युद्ध का मतलब अंग्रेजों के बीच में और हैदर अली के बीच में। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना कि कृष्ण चिक्का जो था ये मरा था, लेकिन इसके वंश का अभी और व्यक्ति क्या रहेगा? जीवित रहेगा, जिसको अंत में हैदर अली को जब मार देगा, टीपू सुल्तान को मार देगा अंग्रेज लोग, तो अंत में कृष्ण चिक्का के ही वंश का एक व्यक्ति को क्या करेगा? राजा बना देगा मैसूर का अंग्रेज लोग। हम आपको पहले भी बोले हैं कि अंग्रेज राजा बनने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, बल्कि राजा के पास जितना पैसा आ रहा उसको हड़पने में ज्यादा दिमाग लगाते। अंग्रेज राजा बनने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। जैसे कोई क्षेत्र को जीत लिया, बोला ठीक है आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको समय समय पर पैसा भेजते रहिए। समझ में आया? तो याद रखिएगा कि कृष्ण चिक्का के वंश का कुछ व्यक्ति बचेगा जिसको लास्ट में राजा बनाएगा। अब किसका शासन प्रारंभ होगा मैसूर में? हैदर अली का शासन प्रारंभ होगा।
और हैदर अली के बेटे का ही नाम है टीपू सुल्तान, ठीक है। तो वो चार आंग्ल में सूर युद्ध आपको बताएंगे ना, तो उसी में टीपू सुल्तान का भी जीवनी आएगा। पहले हैदर अली मैसूर राज्य। अच्छा एक चीज आपसे और पूछ सकता है यहाँ पर, देखिएगा कि जब हैदर अली बना, मैसूर राज्य का संस्थापक बना, तो जाहिर सा बात है कि मैसूर राज्य या साउथ इंडिया में आज भी आप देखिएगा तो सनातन बड़ी फलीभूत है, ठीक है। तो इनको लगा कि शायद मुसलमान होने के कारण हमको एक्सेप्ट नहीं करे लोग, ठीक है, इसलिए इसने अपना मंत्री बनाया एक व्यक्ति को जिसका नाम था खंडेराव। हैदर अली का मंत्री कौन है? खंडेराव। और राजधानी कहां बनाया मैसूर राज्य का? बोलो, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम को बनाया, याद रखिएगा। मैसूर राज्य का जो राजधानी कहां रहा? श्रीरंगपट्टनम। और इनके मंत्री का नाम क्या था? एक हिंदू थे उनके मंत्री, खंडेराव। एक चीज और हैदर अली से आपको जानना चाहिए, बाकी तो आंग्ल मैसूर युद्ध में बताएंगे हम आपको। एक चीज और जानना चाहिए कि हैदर अली एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, ठीक है। कभी आपसे पूछे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आप बोलिए भैया इसको कैसे पता कर सकते हैं आप कि हैदर अली एक धर्मनिरपेक्ष शासक था? इसका कारण है, ध्यान से सुनना। हैदर अली का जो सिक्का प्राप्त हुआ है उसमें शिव, पार्वती और गणेश के चित्र प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। फिर से सुनो, हम आपको पढ़ाए हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है, और मोहम्मद गौरी के सिक्के में लक्ष्मी और गणेश के चित्र प्राप्त हुए थे, ठीक है, और इसके सिक्के में शिव, पार्वती और किसका चित्र प्राप्त हुआ? गणेश का और नंदी का चित्र प्राप्त हुआ बेसिकली।